नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। अपना दल एस आज दिनांक 26/10/2024 को अपना दल एस के नवयुक्त जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनुज कुमार गंगवार का बरेली पहुंचने पर अपना दल एस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। नवयुक्त जिलाध्यक्ष को कार्यकर्ताओं द्वारा इंडविडिस और बरेली से 100 अधिक चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ सैटेलाइट होते हुए रोहलखंड विश्वविद्यालय के सामने से सॉफ्टवेयर रोड पहुंचने पर जगह जगह स्वागत कार्यक्रम किए गए, जहां उन्होंने पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का माल्यार्पण कर PWD हाउस में प्रेस वार्ता की और जानकारी दी। इस मौके पर एडवोकेट गजेंद्र पटेल की अध्यक्षता में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। काफ़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खबर। सर, आज यहाँ जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये क्या है, इसका उद्देश्य? देखिए, आज राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी द्वारा मुझे जिलाध्यक्ष पद का जो बरेली का अपना दल एस का जाति सौंपा गया था जी। तो आज मुझे लखनऊ से, क्योंकि मुझे आना था, तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि एक स्वागत सम्मान समारोह हो, बाकी प्रेस से मैं ये जो हमारे आगे की योजना है हमारी पार्टी के बारे में विस्तार से उस पर चर्चा हो सके, ये चाहिए। तो आप जिलाध्यक्ष बने हैं, तो उसमें आगे पार्टी के क्या आपके मतलब रहेगी? देखिए, जिला पार्टी के लिए जी जिलाध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगा कि मेरे महापुरुष जो हैं बरेली जनपद में की प्रतिमाएं हैं उन पर माल्यार्पण करूं। इसी क्रम में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हुआ है, पार्टी द्वारा किया गया है। उन्हें नमन करते हुए आज मैं जिलाध्यक्ष पद के दायित्व ग्रहण करने जा रहा हूँ। क्या नाम है? मैं अनुज कुमार गंगवार, एडवोकेट। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे पार्टी को बूथ स्तर का मजबूत करना और आने वाले विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाना और पार्टी के लिए चुनाव लड़ने की जमीन तैयार करना। ठीक है। मेरा नाम गजेंद्र पटेल एडवोकेट है और मैं प्रदेश सचिव विधि मंच से हूँ, अपना दल से जी। मुझे तो बड़ी आज खुशी है कि जिसकी मैं कल्पना काफ़ी दिनों से कर रहा था कि दायित्व तो एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो इसमें जमीन तैयार करे और उसके पेड़ लगे और पेड़ के फल भी उन कार्यकर्ताओं को मिले जिन्होंने मेहनत की है जी, उसका फल उन्हें मिले। और यही हम उम्मीद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से करते हैं कि जो भी मेहनत करे फल उसी को दिया जाए। माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन है और जो कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हमारे श्री आशीष पटेल जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं उनसे भी यही उम्मीद करूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं उनके हमेशा सहयोग करता हूँ, करता रहूँगा। यही मेरा सबसे पहले दायित्व है और जमीन जो भी अपना दल इसकी तैयार होगी उसमें हमेशा सहभागिता निभाऊंगा। ठीक सर, नाम जानना चाहेंगे और क्या आज मीटिंग हुई? आनंद मोहन पटेल, मैं जिलाध्यक्ष था जी। अब माननीय नेतृत्व अनुप्रिया पटेल जी ने जी मुझे मंडल का दायित्व सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है और माननीय अनुज कुमार गंगवार जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम सब लोगों का यही उद्देश्य है कि मिलकर हम सब लोग संगठित होकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करें, जिससे कि आने वाले 2027 के जो विधानसभा चुनाव हो उसमें बढ़ चढ़कर अपना दल की हिस्सेदारी हो। ठीक।